फैमिली कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैर के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं बहुत ही अपना मोस्ट फेवरेट काम करने जा रही हूँ, जो कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ टाइम से मसरूफियत की वजह से कर नहीं पाई। मैंने ये काम COVID-19 में स्टार्ट किया था, और जब आप कोई काम अच्छा करते हैं ना, तो ऐसा होता है कि वो काम फिर आपके सर पे आता है। अगर आप अच्छी चाय बनाते हैं ना, चलो जी चाय आप अच्छी बनाती हो, चलो आप ही हमेशा चाय बनाओ। तो इसी तरह मैं COVID-19 के टाइम पर मैंने एक काम स्टार्ट किया था, और काम था अपने फादर की कटिंग का, जो कि मैंने उनके घर में की थी। मैंने उनको बाहर नहीं जाने दिया था, किसी हजाम के पास नहीं जाने दिया था। मैंने यही कहा था, मैंने कहा आप ना जाएँ, आप हमारे, हमें आपकी ज़रूरत है, आपका साया हमारे सर पे सलामत रहना चाहिए। तो हम नहीं चाहते आपको कोई भी आप पे कोई भी जर्म्स अटैक करें। तो मैंने काम ये किया, मुझे आता नहीं था, इट्स माय फर्स्ट अटैम्प्ट। तो मैंने अपने फादर की हेयर कटिंग खुद की, और उनको मैंने बाहर नहीं जाने दिया। और उसके बाद वो ऐसी कटिंग हुई कि वो हमेशा कहते हैं जी कटिंग मेरी हुमा ही करेगी। तो इस वजह से हेयर कटिंग मैं ही हमेशा अब उनकी कर रही हूँ, उस 2 साल के टाइम से। तो आज से भी उनका यही प्लान था कि चले कटिंग कर दी जाए, क्योंकि कितने कुछ अर्से से मैं अपने काम में इतनी बिज़ी हूँ, अपनी बेबी के साथ इतना बिज़ी हूँ कि मैं नहीं कर पाई थी। तो आज मैं उनकी कटिंग करने लगी। मैंने सोचा आप लोगों से भी एक्सपीरियंस शेयर किया जाए कि आप भी ऐसे मुश्किल, किसी कोई भी मुश्किल टाइम आ सकता है, आगे इन फ्यूचर भी आ सकता है। तो इसलिए मैंने कहा चलिए आप लोगों से भी शेयर कर लेते हैं अपने एक्सपीरियंस, चलिए कटिंग करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। और देखा आपने कि बस इन 2 चीज़ों की मदद से मैंने कितनी अच्छी कटिंग कर दी है। एग्जैक्ट इतनी प्रोफेशनल तो नहीं है, बट ये कह लें आप 98% तो मैंने अच्छी कर ही ली है। यहाँ पे फीमेल हेयर कटिंग जो है ना घर में इजी होती है, और मेल कटिंग काफ़ी टफ होती है। अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मर्दों को छोटे छोटे से बाल होते हैं और वो काटना आसान होता है, और लड़कियों के लंबे बाल उनको अगर ख़राब हो जाए तो छोटे हो जाएंगे। तो अल्लाह की, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेडीज़ कटिंग इजी है अकॉर्डिंग टू जेंट्स के। जेंट्स पे थोड़ा टाइम लगता है, उस पर ज़्यादा होता है, कट ना लग जाए उस पर ज़्यादा मेहनत होती है। जैसे कि आपने देखा वीडियो में, मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बस आपको उसको फास्ट करके दिखा दिया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कहीं लाइक कर दीजिएगा, कोई सजेशन और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जानकारी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो से फिर से मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।